यो द बॉयज का सीजन 3 आ चुका है। यस 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 यस। तो जिन लोगों को नहीं पता बॉयज का क्या सीन है, तो द बॉयज के यूनिवर्स में सुपर हीरोज हैं, लेकिन ये सुपर हीरो हैं बदमाश, हरामी, साले नशेड़ी हैं, सारे काम करते हैं, और बल्कि सुपर हीरो से ज्यादा वो एक सेलिब्रिटी की तरह हैं। इन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। बहुत सारे सुपर हीरोज हैं इनके यूनिवर्स में, लेकिन 7 सुपर हीरोज हैं जो मेन है बेसिकली, और उनकी एक टीम है। तो मेरा फेवरेट बदमाश सुपर हीरो है होमलैंडर। उसको देख के भाई जो एंग्जायटी होती है ना, कि उसके पास सुपर हीरो वाली पावर्स हैं, लेकिन उसका जो दिमाग है ना वो बच्चे जैसा है, ठीक है। तो उसके मूड स्विंग्स आते हैं, वो फक कर देता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर तुम उसके साथ एक कमरे में अकेले हो ना, तो वो तुम्हें पेपर की तरह फाड़ सकता है, समझ रहे हो। तो सबकी फटती है उससे। दूसरा बदमाश सुपर हीरो है डीप। उसके यहाँ साइड में गिल्स है, तो वो पानी में सांस ले सकता है और समुद्री जानवरों से बात कर सकता है, और एक्चुअली एक ऑक्टोपस से वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी है। एक और जो बदमाश सुपर हीरो कैरेक्टर है वो है एट्रे। तो वो बेसिकली तुम ऐसे इमेजिन करो फ्लैश, ठीक है, लेकिन बदमाश, और वो स्टीरॉइड्स लेता है, जिसके चक्कर में उसके पैर काम करना बंद कर जाते हैं। तो अब वो फास्टेस्ट सुपर हीरो नहीं है, कोई और है। बल्कि फिर एक सुपर हीरो है जो कि बदमाश नहीं है, लेकिन तब भी होमलैंडर की टीम में है, नहीं है, डबल एजेंट है, वो है स्टारलाइट। वो लाइट को कंट्रोल कर सकती है। मेरा दूसरा फेवरेट कैरेक्टर है बुचर, ठीक है। वो सुपर हीरो नहीं है, वो इंसान है, लेकिन वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कहता है तुम्हें मारना है मार दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो गुथूंगा। तो बुचर की टीम में एक लौंडा है फ्रेंची, वो है साइको, वो ऐसा बेटे है जो मौज करा देता है। एक और लौंडा है जो बुचर की टीम को ज्वाइन करता है, उसका नाम है यू। तो वो बिल्कुल ही कॉमन और ऐसे बिल्कुल साधारण लौंडा है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है ना, उसकी मौत हो जाती है ए ट्रेन की वजह से। क्योंकि ए ट्रेन क्या होता है, भगता हुआ आ रहा होता है, लिटरली उसकी गर्लफ्रेंड के पार चला जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड ऐसे फट जाती है लिटरली। और एक और लौंडा है बुचर की टीम में, जिसका नाम है मदर्स मिल्क। अरे भाई, वो बहुत ही ऐसे रिस्पॉन्सिबल काम रहते की कोशिश करता है, लेकिन रह नहीं पाता, वो वैसा कैरेक्टर है। तो सीजन 3 में अब क्या होने वाला है, बेसिकली बुचर वर्सेस होमलैंडर। तुम कह सकते हो बुचर इस शो का हीरो है, और होमलैंडर जो कि सुपर हीरो है वो इस शो का विलन है। बहुत ही फक्ड अप सी स्टोरी है, और इनका कनेक्शन ऐसा है कि जो बुचर की बीवी थी उसको होमलैंडर ने किडनैप कर दिया, और अब होमलैंडर और बुचर की बीवी का साथ में एक बच्चा है जिसके पास खुद दिव्य शक्तियां हैं, और बुचर उसे अब पाल रहा है सीजन 3 में। अब बुचर के पास भी लगता है कि पावर्स आ जाएंगी, तो बुचर भी अब एक सुपर हीरो बन जाएगा, होमलैंडर ऑलरेडी एक सुपर हीरो है, और उनके बीच में तगड़ी फाइट होने वाली। मैं वेट नहीं कर सकता क्या होगा। मेरी रिकमेंडेशन 10 out of 10 है, बिल्कुल इस शो को जाके देखो। अगर तुम थोड़ा सा भी सुपर हीरो टाइप शिट में इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल जाके देखो, बहुत मजा आएगा तुमको। अभी इसका सीजन 3 आ चुका है, उसके 3 एपिसोड आ चुके हैं, तो Amazon Prime पे है, तो अभी जाके देखो।